में देखिए क्या कह रहा है कि टू इक्वल सर्कल टचिंग इच अदर एट अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी एंड ए बी इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे दो सर्कल हैं, इक्वल रेडियस है दोनों का, ठीक है, और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक पॉइंट सी पर। क्या कह रहा है, ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, है ना जी। तो ए बी हम लोग कॉमन टेंजेंट ले लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से सर्कल पे कॉमन टेंजेंट ले लेते हैं ए बी। तो हमें क्या पूछ रहा है, एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम लोग एक काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, देखिए यहाँ सी पॉइंट से इस पर ऐसे मीट कर दें, एक पॉइंट यहाँ पी ले लेते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, होगा ना जी, इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम समझिए, यहाँ पर जब ये दोनों साइड इक्वल, तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना जी। एक काम करते हैं, इसे हम लोग एक्स ले लेते हैं, ये भी आपका एक्स ले लेते हैं। तो अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, अगर इनको वाई वाई सपोज कर लें तो दोनों वाई वाई हो जाएंगे। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें, तो इसमें एक्स प्लस वाई और प्लस वाई इन तीनों का सम 180 हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y होगा इक्वल टू में 180, 2 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस y इक्वल टू में 180। अच्छा x प्लस y का मतलब क्या है, x प्लस y का मतलब एंगल ए सी बी से है कि नहीं, चलिए ये जगह डिवाइड में, तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर